दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरह से मौजपुर, भजनपुरा, जाफराबाद, चांदबाग और गोकुलपुरी जैसे इलाकों में हिंसा हुई, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थक और विरोधी दोनों गुटों में टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, लोगों के घर दुकान सब आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई और पेट्रोल पंप तक जला दिए गए, उसे लेकर बॉलीवुड में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस हिंसा को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। इनमें स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, जावेद अख्तर जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्मों को लेकर कम और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। CAA और NRC जैसे मुद्दों पर भी वो अपनी राय रखते ही रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सबसे पहले तो अनुराग कश्यप ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटे में इतना तो पता चल गया कि CAA NPR को लेकर हमारा जो डर है वो सही है। सरकार कुछ भी बोले, इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने हमें दिखा दिया है ये क्या करना चाहते हैं और इनके मुंह से जो निकलता है, चाहे मन की बात हो या इनकी सांत्वना, सब झूठ है। ये फासिस्ट हैं और रहेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, और वो जो सिर्फ हिंदू होने पे और जय श्री राम, भारत माता की जय बोलने से अपने आप को तमगा दे देते हैं देशभक्त होने का, उनको तो यही नहीं पता है कि देश क्या होता है और किसे कहते हैं। देशभक्त होना तो दूर की बात है, दया आती है उन पर, उनकी मूर्खता, जहालत, अहंकार और भोलेपन पर। अनुराग यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा, हताशा भी है और निराशा भी, लेकिन न तो संयम टूटा है न संकल्प। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। सब याद रखा जाएगा, सब देखा जाएगा, तुम भी देखोगे और हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। वहीं अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने को, एक रात ही काफी है पूरा मोहल्ला जलाने को। वहीं हाल ही में अनुराग कश्यप थप्पड़ की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह पर भी निशाना साधा था। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टू मी it's the most difficult film that I've shot, even more difficult than Ravana, which was a tough one to shoot. I know I didn't make it well, but it was difficult to shoot. जानबूझ के आपने नहीं रखा, मुझे लग रहा है कि हाँ वो इतनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जरूरत नहीं है सॉरी की।
वो जस्टिफिकेशन दे रहा है उसके काम करने के ऐसा. सो देन सर वॉज लाइक देन ही रिमूव दैट लाइन फ्रॉम देयर एंड वी केप्ट इट टिल द एंड कि उसने रियलाइज ही नहीं किया उसने सॉरी नहीं बोली. आई रिमेंबर विशाल का बेटा, विशाल भारद्वाज का बेटा, विशाल उसका बेटा साथ साथ आया पिक्चर देखने ऑफिस, तो वो बाहर आया आसमान. He was so angry. He is saying sorry. Why isn't he saying sorry? दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारे उम्र से सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व. Thank you for making this film. The preconceived notion that I came with has been positively shattered. जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जितने भी मर्द हैं, वो लोग जब बाहर निकलेंगे तो शायद प्लीज़ अपनी माता को, अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी भी महिला को जिसको आप जानते हो उसको अप्रिशिएट करना और अपने बारे में सब चीज़ें मत बना देना जैसे पवेल जी ने बनाई थी विक्रम ने. Thank you so much, Pavel. You did a good job, and I appreciated you. I'd like to say, ये movie, there's a lot of vermicillitude in the movie. I see there's a lot of realism. जैसे movie unfold होती है, भले ये काल्पनिक story है, बहुत ज़्यादा reality मुझे दिखती है इसमें. It's like सच में वो घटना हो रही है screen के सामने. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो screen पे लिखा गया है, lot of liberties must have been taken by actors, by the screenplay writer. मैं जानना चाहता हूँ कि ये आमतौर पे हम नहीं देखते मेरे में, तो क्यों इतना ये वास्तविक लग रहा था जो मैं देख रहा था. मैनु की पता. थैंक यू. साउंडेड लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. लाइक आई सेड यार, मतलब वो लिखते समय भी हम लोग ऐसा घरेलू, मैं और नुनमई दोनों मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं. हालांकि मैंने बैलेंस ज्यादा पहना देख रहा हूँ. कश्यप से इतना जेलस रहता हूँ, मैं कश्यप को इतनी बैलेंसियागा पहने हुए देखा तो मैंने कहा हाँ खरीदना पड़ेगा. तो हम anyway, तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास आइडियाज भी आ रहे थे और सहजता इस फिल्म की मेरे ख्याल से यूएसपी थी जो कश्यप ने जो फिल्में मुझे देखने को दी थी ना, वो हालांकि इन टर्म्स ऑफ जॉनर काफ़ी अलग थी इससे, लेकिन उन फिल्मों में, ईरानियन फिल्मों में स्पेशली टर्किश फिल्मों में बड़ी सहजता होती है, तो वो शायद वहाँ से चुराई हुई. Yeah, but the film never lost that ground of like, it was so rooted. The Indian middle class families, extended families, wo jo feeling aati hai. Even the privileged family, like the family that Pavel comes from. Everything, I'm saying it, the detailing of the work and the dynamics was so well structured. Also because when I shoot, I have two very important crew members always on set. One is my co-writer or the writer, and one is the editor. So we edit the film while, and it's not online edit, like a rough edit to just get an idea. So there's a proper two edit setups on location. So there's an assistant editor who's lining up, there's an editor who's editing, and then there is this writer who makes dirty faces, so who's always on set. So every time, even you're doing something good, she's making a dirty face, and look at what happened. No, it's nice. You know, and there's another incredible performance in the film. Please show us that face, no? There's another incredible performance in the film of the maid, Geeta Walian's one. Yeah. Geeta Walian. And her character and her dynamics, which is so far away. She goes through her own world and she comes into this world and she looks at Amrita, yeah. And then she goes back home and she's looking at her husband and saying, Marte to sab hai. I think that was something that completely blew me. Wait. So actually that was a Bihari bhai first. So Nandita showed me certain, Nandini showed me some auditions. And there was this girl who was Haryanvi, was trying to do a Bihari audition, which wasn't coming out well. But she looked very interesting to me.